हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम ना पूरियों को बिना तेल के पानी में तल के बनाएंगे। बहुत ही ज़्यादा इजी है, हम इसे ऑयल फ्री बनाएंगे। तो इसे आज हम बनाने वाले हैं एयर फ्रायर में। आप चाहो तो अवन का भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। आज हम मैदे की जगह आटे में पूरी बनाएंगे। 500 ग्राम मैंने आटा लिया है, एक बोल मैदा, थोड़ा सा सॉल्ट लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें वेजिटेबल ऑयल डाला है और 200 ग्राम मैंने दही डाली है। आटे के अंदर दही को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब गुनगुना पानी से ना हम एक आटा गूंद लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। हम एक नॉर्मल सा डो रेडी करेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड या फिर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं। 15 मिनट के लिए हम डो को रेस्ट में रखेंगे। अब इससे ना हम छोटी छोटी लोइयां काट लेंगे और नॉर्मली हम जैसे पूरियों को बेलते हैं ना, थोड़ा सा ऑयल डाल के वैसे ही हमें बेलना है। अब इसे हम करेंगे थोड़ा सा बॉयल। मैंने पानी को गर्म कर लिया है, जब इसमें बॉयल आ जाएगा तब इसमें ना हम पूरियां डाल देंगे। बस 2 मिनट के लिए बॉयल करेंगे, जब ये फ्लोट होना शुरू हो जाएगा तब इसे हम निकाल लेंगे। इसी प्रोसेस की वजह से हमारी जो पूरियां है वो फूलेगी। अब इसे एयर फ्रायर में डाल देंगे। मैंने 2 मिनट के लिए इसे प्री हीट कर लिया है। टेम्परेचर हम रखेंगे 200 डिग्री में। पहले 4 मिनट के लिए डालेंगे, फिर इसे पलट देंगे, फिर 1 मिनट के लिए इसे डालेंगे। बस देखिए पूरियां बनके रेडी है। बहुत ही इजीली ऐसे पूरियां बन जाती है। आप चाहो तो ओवन में भी सेम वे में बना सकते हो। तो देखिए बिना तेल की पूरियां बनाना कितना इजी है ना। आप इस रेसिपी को ना जरूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।